देखते हैं आंखों सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस मुनव्वर फारूकी का नया गाना इस वक्त रैप जो है वो इस वक्त रिलीज होने लग गया है उसके चैनल पर। इट इज प्रीमियर, सो वी गोना गो अहेड एंड वॉच इट लाइव। बहुत सारे स्ट्राइक्स आएंगे, कॉपीराइट्स आएंगे, बट आई रियली डोंट केयर। वी गोना गो अहेड एंड वॉच दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में, रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, सपने देखता पर चैन से मैं सोया कब था, हंसा के भूला आखिरी बार मैं रोया कब था, आजादी रौनक महफिलों में मेरे नाम से ही, इतना नायाब हूँ आज दाम कोई लगा नहीं सकता, गरीब बचपन से लगाई अब शर्त है, फरीद सबसे हूँ आवाज में ही तर्क है, फर्क है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक पे मैं पैदा हुआ रीढ़ लेके, बाकी बस सब तो फसाने दर्द के गाऊं क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई लाऊं क्या, वो कहते चुभते मेरे लफ्ज उन्हें बहुत, चीर देगी खामोशी चुप हो जाऊं क्या, सजा के जुगनू देता राहत हूँ मैं रात को, उतारू कागजों पे पूरी कायनात को, आईने भी टूट जाते मेरा चेहरा देख, उन्हीं टुकड़ों पे लिखता जज्बात को, सर पे जिम्मेदारी ख्वाहिशों को अपनी मारा, जताते कह के सब तो लिया ना सहारा, मानता हूँ मैं हारा हूँ हजारों जंग, खुदा गवाह एक बार भी ना हिम्मत हारा, डूबा खुद में कैसे कोई कुआं रोके, जलते सारे मैं आगे बढ़ता धुआं होके, न कभी देखता आगे क्या मुसीबत है, मेरे पीछे काफिले हैं चलते दुआओं के, मैंने तूफान से लड़के लौ जलाई है, तब जाके रब ने ये नियामत सजाई है, मेरे अंधेरे तो रात से भी काले थे, ख्वाब की खातिर मैंने नींद को आग लगाई है, मेरी कलम मेरी कुवत चाहे मंजिल लिख दूँ, मेरी हुकूमत मैं लहरों पे समंदर लिख दूँ, दम इतना मैं मस्त रहता खुद ही मैं खुद की पेशानी पे कलंदर लिख दूँ, मैं सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में, रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, सपनों को जिंदगी दी मैंने खुद को मौत देके, लफ्जों में जान डाली मैंने बस खामोश लेके, जनाजा भारी सीने पे घूमता बोझ लेके, कोहे तूर से भी है मजबूत मेरे हौसले, ये इरादा टूटा नहीं खुदा से जुदा नहीं, दिलों में बसता रब तो कभी मस्जिदों में ढूंढा नहीं, जलू में रोज ताकि बुझे घर का चूल्हा नहीं, भटकता मैं मुसाफिर पर मैं मंजिलों को भूला नहीं, आंखों से बहता नीला रंग मेरी याश की है, देखा बस गुरूर तुम ना वाकिफ मेरी सादगी से, कलाकार ही बस जाने कैसे उसकी रात बीते, होते ही अंधेरा दिल लगाता बस वो चांदनी से, मैं लिख के बस दिखाता तुझे आईना हूँ, गलती मेरी इसमें क्या की पसंद तुझको आए ना, तू बातें खींच के बनाता मेरा दायरा, क्यों फिर भी गाने डालूं तुझे हर गाने में जायका दूं, बड़ी किताबें नहीं सिखाता मुझे बीता कल, नींद में मैं चलूं ख्वाबों का रहा मैं पीछा कर, पर ये है मैराथन तो कहता धीमा चल, जल्दी तोड़ेगा तो खाएगा फिर कैसे मीठा फल, नजर के भार हूं मैं सबर के साथ हूं मैं, ये रैपर मुर्शिद है अदब से मेरे हाथ चूमे, कितनों की हसद और कितनों की बना आरजू मैं, खामोश दिलों की छुपी हुई आवाज हूं मैं, घर का चिराग हूं मैं, सबको मैं रोशनी दूं, मंजिल मिलेगी पर सफर से अपने लौट नहीं तू, तू तेरी सोच से बड़ा है ज्यादा सोच नहीं तू, बस अपने दिल की सुन तू खो जाता है शोर में क्यों, सीखा है तैरना गमों में मैंने डूब के, पैरों में छाले फिर भी रिश्ता रस्तों से और धूप से, हम भी का खूब कागज को कहते महबूब है, सियाही जान तो छिड़कता हूँ उसे माशूक पे, सड़कों पे बैठा पलकों पे हर दिन चलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू पोछा पर्दों से, मरहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमीन कहती मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, देते बिछा मेरे पैरों में मखमल में, रोकूं ये कह के जुड़ा अब भी फर्शों से, नाइस एक्टिंग ना, not bad, not bad at all. I actually liked it a lot, especially जो beats थे, beats के साथ उसका rap, chorus could have been better, chorus मुझे इतना catchy नहीं लगा, लेकिन जो rap था, for sure flow was there, the beats was on point, nice production, nice one by Munawar Farooqi, मतलब मैं इसके ये stand up का तो था ही fan, but इसकी rap game भी कोई इतनी बुरी नहीं है, if people are actually fans of his rap alone, I don't blame them, और समझ भी आती है क्यों, क्योंकि उसका rap इतना बुरा नहीं था, I think it was something of his past के कुछ उसकी story है, it is for sure it is inspired by true events.
इट हैज़ टू बी, क्योंकि जो लिरिक्स थे काफ़ी डीप थे, काफ़ी उसको इमोशनल टाइप थे और इसके सक्सेस को लेकर थे, इसके बचपन को लेकर थे। हाँ, फरहान उसमें जो दूसरा रैपर था उसका मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है कि कौन है वो, बट ही हैज़ टू बी अ रैपर एज वेल। अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन है तो फिर मुझे नहीं पता, अगर वो बाकी अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल गो हैड एंड डू रिएक्ट टू हिज स्टैंड अप रूटीन्स। स्टैंड अप को तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने उसकी काफ़ी रिएक्शन की हुई है चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल पे आप देख सकते हो, लेकिन दिस वाज हिज लाइव प्रीमियर जिस पर मैंने रिएक्शन की है, तो मैं मतलब व्हाई नॉट, इसका रैप अगर आगे भी आएगा तो आई विल मेक श्योर टू लिसन टू इट एंड रिएक्ट टू इट। आने तो बहुत वाले हैं भाई, इस मेरे रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे कॉपीराइट्स आने वाले हैं, बट इफ यू लाइक इट थरोली, इफ यू ट्रूली लाइक द रिएक्शन, प्लीज गाइस मेक श्योर टू लीव अ लाइक, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, मिलते हैं अगले रिएक्शन में, टेक केयर, चाओ।